नमस्कार, आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। ये लड्डू बिना गैस चलाए ही बन जाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम भूगड़े। अब इन भूगड़ों को हम ग्राइंड करेंगे जिससे इनका आटा बन जाएगा। आटा बन गया, अब इसे हम छाननी से छान लेंगे। जो मोटा होगा वो बाहर निकाल के रख देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मोटा मोटा बच गया, इसे निकाल देंगे। अब ये बिल्कुल बारीक और पिसा हुआ आटा है। अब इसमें मीठे के लिए खांड डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी, देसी घी डालेंगे इसके अंदर। ये घी डाल दिया है। अब इस घी को मिला लेंगे, अगर कम पड़ेगा तो फिर और घी डालेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, वो भी इसमें मिल जाएंगे। अब घी कम पड़ रहा है इसलिए और घी डालेंगे इसके अंदर। हमने आटे में खांड और घी मिला दिया है। आप खांड की जगह बूरा भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल सकते हो मीठे के लिए। अब ये अच्छे से मिल चुका है। आप अपने हिसाब से घी डाल सकते हो। अगर आपको लगता है ये कम है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हो। हमें कम लगा तो हमने ज़्यादा डाल लिया। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके हम गोल गोल लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बनाने हमने स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हो भूगड़े के लड्डू बिना गैस चलाए ही बन सकते हैं। हमने भूगड़े के लड्डू बिना गैस चलाए बनाए और ये हमारे लड्डू बन रहे हैं। और अभी हमारे लड्डू सारे बन के तैयार हो गए हैं।